लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम लोग यहाँ पर आए और स्टेट को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। पुलिस के लोगों ने हमसे फिर से यहाँ पर पूछा कि आपके ऊपर FIR था, फिर आप क्यों आए, बट स्टूडेंट्स के साथ हम हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस वक्त में काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट का यहाँ पर हुजूम है, हजारों की तादाद में स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग वापस भी लौट गए क्योंकि माइक इतना बड़ा नहीं है जो सभी लोगों को कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ एक चीज़ है कि सरकार को अगर वो इस समय में सुन रहे होंगे तो उनको ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा वो स्टूडेंट्स की बात को समझे, अपने डेलीगेट्स भेजें, ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाए। हालांकि प्रशासन का कहना था कि धरना के लिए दूसरा स्थान दिया गया है बगल में, अगर आप वहाँ बैठते हैं तो SDO आएंगे, मुख्यमंत्री के स्तर से पदाधिकारी आएंगे और वो आकर के बात करेंगे। लेकिन जैसा हमने बोला कि स्टूडेंट्स के कई विंग यहाँ पर हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, वो अपने अलग अलग जगह पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये डिमांड है कि सीधे तौर पर सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से कोई पदाधिकारी को यहाँ आना चाहिए और उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन कौन क्या डिमांड को मान रहे हैं कि नहीं। दो डिमांड है स्टूडेंट का। पहला डिमांड ये है कि नियोजन नीति जो है वो आपको बनाना है और ये विद इन 1 वीक और 10 डेज बनाना है। दूसरा डिमांड है कि JSSC CGL जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम था वो विद इन अ मंथ आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए और एक ऐसा JSSC आप बनाइए नियोजन नीति जो तुरंत से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जिससे आपको ऐसा लगे कि फिर से ये दिक्कत आ गया और स्टूडेंट फिर से नाराज हो जाए। तो इस समय में पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है, 2 स्थान पर है और जो हम 3 लोग SDO कोर्ट में थे हमारे साथ गुलाम हुसैन और इमाम शफी पहुंचे थे और वहां से जो लीगल हमारी टीम थी उन्होंने बोला कि आप जाइए, सिर्फ उग्र भाषण नहीं देना। ये भी डिपेंड करता है कि सरकार उग्र भाषण किसे कहती है, क्या विश्लेषण करने को कहती है। आप आर्टिकल 19 का सीधे तौर पर उल्लंघन करेंगे, किस प्रकार से आपने ऑफलाइन टीचर के अगेंस्ट में FIR करा दिया, रात को 12 बजे पुलिस हमें कॉल करती है लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी पुलिस प्रशासन के लोगों ने कागज देखा और हमारा नाम पूछने के बाद वो गए हैं अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि स्टूडेंट की तादाद है वो मानने को तैयार नहीं है। उनके सीधे तौर पर उनका डिमांड है कि उनको इस वक्त में आश्वासन नहीं चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री की ओर से एक सीधे तौर पर एक स्टेटमेंट वो चाह रहे हैं कि जिसमें उनको बोला जाए कि वो जो है कि वो कर रहे, वो नौकरी दे रहे और सीधे तौर पर दे रहे और 1 महीने के अंदर दे रहे। अगर इस प्रकार की कोई अंदर से खबर आती है मुख्यमंत्री के स्तर से तो हमें लगता है कि तमाम स्टूडेंट मानेंगे, नहीं तो तमाम लोग यहाँ पर धरना के रूप में उन्होंने कहा है कि वो रहेंगे ही जब तक प्रशासन के लोग आते नहीं हैं। तो इस वक्त में आप फिर से भीड़ दिखाइए स्टूडेंट की कि काफ़ी बड़ी संख्या में, भारी संख्या में आप देख रहे होंगे हमारे दाहिनी हॉल में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का विंग मौजूद है, पूरी हॉल में मौजूद है। तो इस वक्त में विधानसभा के सामने वाले रोड में स्टूडेंट की बहुत बड़ी संख्या है और इस साइड आप आए साइड में भी देखेंगे तो संख्या की गई है और यहाँ पर सरकार की ओर से 5 नाम